ईवीएम के लिए जो उन्होंने विरोध किया हम बड़े खुश हुए। पहले हमने इनकी फोटो व्हाट्सएप पे देखी थी भानु प्रताप जी की, फिर एक दिन हमने निमंत्रण दिया, इन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर हमें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आए और हमें समय दिया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उस बात के लिए। इसके बाद आज की जो वर्तमान सरकार कभी कह देती है कि मैं चौकीदार हूं, कभी कह देती है कि मैं फकीर हूं, अरे आप तो अकेले हो, लेकिन अगर फकीरी देखनी है तो हमारे सामने आओ। फकीरी देखनी है तो श्री भानु प्रताप जी जो कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, फकीरी देखनी है तो भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी से देखो कि जो कि परिवार है लेकिन फिर भी देश की सेवा के लिए अकेले निकल पड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री भानु प्रताप जी का, वह अशोक शर्मा जी का जो भी अपना समय निकालकर वो राजकोट से आते हैं, ये दिल्ली से कहीं भी चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का और भी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उन सबका सबका भी धन्यवाद है। लोग कहते हैं कि माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जेल में जन्म दिया था। एक माँ यशोदा वो थी जिसने जेल में जन्म दिया भगवान श्री कृष्ण को, और एक माँ यशोदा वो है जिसने भानु प्रताप जी को जन्म दिया और अशोक शर्मा जी को जन्म दिया। ऐसी माँ यशोदा बहुत कम है, मैं उन माँ यशोदा को नमन करता हूं। ऐसे ऐसे आदमी अगर हमारे बीच में आ जाएंगे तो आने वाली 21 तारीख को हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि इनको पट्टी दिखा देंगे। आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है खासकर ईवीएम के लिए। आज से पहले श्री भानु प्रताप जी ने जो एक कदम उठाया इससे पहले किसी ने नहीं उठाया। अगर किसी ने उठाया तो मैंने सुनने में आया था कि चुनाव आयोग ने बुलवाया था उनको, ईवीएम का क्या विरोध है आगे चेक कर लीजिए, लेकिन जाने वाला कोई नहीं था उसमें। इस बात के लिए मैं भानु प्रताप जी से आग्रह करूंगा कि अगर चुनाव आयोग बुलाता है तो आप जाइए पूरी टीम के साथ जाइए और उनका जो विरोध है विरोध करिए। भानु प्रताप जी हम कैबिन से आपके साथ है, पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपके साथ है। भानु प्रताप जी आगे बढ़ो, भानु प्रताप जी आगे बढ़ो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो व्यक्ति समय दिया, बहुत बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।